आरूढ़ लग्न जो है, आरूढ़ का मतलब होता है आवरण। हम्म, इसका मतलब होता है कि आपकी चारों तरफ जो आवरण क्रिएट होगा, जिसको दुनिया देखेगी, ऐसी दुनिया जो आपको जानती नहीं है, ये हो गया आपका आरूढ़ लग्न। तो आरूढ़ लग्न का मतलब क्या है? अभी अगर मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मेरे से पहली बार जिंदगी में बात कर रहे हो, तो आपके मन में जो मेरी छवि जाएगी हाँ, वो मेरा आरूढ़ लग्न है। ओके ओके ये मेरा ओके, एक्चुअल लग्न, एक्चुअल जो जैसा मैं हूं, जैसा मेरा सोच है। लेकिन जब मैं आपसे पहली बार बात करूंगा तो आपके मन में क्या जाएगा? आरूढ़ लग्न जाएगा। ये आरू छवि लगने नहीं जाएगी। जाएगा। मेरी बीवी को ये छवि से जानती है, मेरे पिता माता ये छवि से जानते हैं, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स मुझको मेरे फोर आरूढ़ थाउस लग्न की छवि से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो है ये मेरा आरूढ़ लग्न है। तो दुनिया में जब पहली बार मेरे से कोई बात करता है, तो उसको मैं इगोस्टिक लग सकता हूँ, इसको मैं इंटेलिजेंट लग सकता हूँ, और उसको मैं बहुत स्टाइलिश लगूंगा। अब ये तो बहुत छोटा उपयोग होगा, सबसे इससे बड़ा उपयोग क्या पता है आपको? सबसे क्या? बड़ा उपयोग है, ये आरूढ़ लग्न आप हर एक भाव का निकाल सकते हो, हर एक ग्रह का निकाल सकते अच्छा, हो। मतलब अगर मैं बिजनेस करने जा रहा हूं, तो बिजनेस में ये मेरा कार्यक्षेत्र है, कार्य मतलब मैं ऑफिस में जाऊंगा तो यहां पे जाऊंगा, यहां पे पहुंचूंगा मैं, तो इस भाव में जाऊंगा तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, ये इसके आरूढ़ लगने से जाएगा। जैसे यहां से यहां पे आ गया दशम, ये यहां से दशम स्थान में है, सॉरी नवम स्थान में है। नवम स्थान की अगर बात करें तो यहां से नौ गिनेंगे हम लोग, लग्नेश नौ, यहां से नौ, 1 2 3, ये 7 8 9। तो ये मेरा कौन सा हो गया, ये मेरा आरूढ़ लग्न हो गया फॉर माय वर्क प्लेस। तो मैं अगर काम की जगह पे जाके बैठूंगा तो लोग, आपका ये कैसे आया? नहीं, सेकंड हाउस कैसे आएगा? आरु लग्न 11। आरूढ़ लग्न का कैलकुलेशन है, लग्न से जितने घर लग्नेश चलेगा वहां से उतने घर अपने आगे जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अभी ये मेरा लग्नेश है चार स्टेप चल रहा, ठीक यहाँ, है तो ये ना? चार चार चला बराबर है, तो चार का मैं वीनस, चार को मैं चार चलूंगा एक तो दो कहाँ पे जाएगा, तीन यहाँ पे जाएगा। सातवां, अभी तो फिर नहीं सातवें घर को और लग्न को हम कंसिडर, लोग नहीं कंसिडर नहीं करेंगे। कंसिडर करते। अगर पहले घर में आपका आरूढ़ जाएगा या सातवें घर में आरूढ़ जाएगा, तो वहां से दशम स्थान पे दशम आपका स्थान आरूढ़ लग्न देखना होगा। पड़ेगा। तो यहाँ पे आरूढ़ लग्न यहाँ पे चला गया दशम स्थान में, ठीक है? तो ये तो कैलकुलेशन ठीक है। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, तो अब लोग, मैं जब काम पे जाता हूं तो काम पे मेरे से कोई मिलता है तो वो आदमी मुझको बहुत धनी समझेगा, सुसंस्कृत समझेगा। तो आपका D10 चार्ट में देख लो ना, सीधा सीधा हाँ D10 चार्ट ओपन करो ना, उसमें डायरेक्ट दिख जाएगा कहाँ है आरु हाँ लग्न। वो तो ठीक है, बट यहाँ पे भी सी, अभी D10 जो है ना वो सिर्फ काम के लिए, ये सामान्य जनता के लिए। तो सामान्य जनता मुझको कैसे देखेगी, यहां से पता चलेगा, है ना? ये तो एरा गेरा नत्थु गेरा हो गया। D10 में आप बराबर ले, लेकिन D10 में सिर्फ काम से रिलेटेड लोग है ना, फिर D10 में, है ना? D10 में तो यहाँ पे लोग मुझ मेरे बारे में क्या सोचेंगे, है ना? तो ये इसका तो आरूढ़ लग्न यहाँ पे, तो हर एक भाव का आप आरूढ़ लग्न निकाल सकते हो।